वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सब्सिडरी बुक में क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू है, जीएसटी बेस पर है, प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ सुपर गारमेंट्स फरीदाबाद। अब देखिए, फरीदाबाद का बिजनेस है ये, तो फरीदाबाद हो गया हरियाणा में। तो हरियाणा से हरियाणा के बीच में अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और हरियाणा से बाहर किसी अदर स्टेट में है तो वहाँ आईजीएसटी लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले 2020 बोट फ्रॉम फैंसी स्टोर पटेल नगर दिल्ली, तो मैसर्स फैंसी स्टोर दिल्ली, ठीक है, 100 शर्ट एट रेट ऑफ 150 ईच, 50 ट्राउजर्स एट रेट ऑफ 400 ईच। देखो, इनका डिटेल में टोटल करेंगे 15,000-20,000, कितना हो गया 35,000। इसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 5,250 रुपये। 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 5,250 रुपये। अब देखिए, 5,250 रुपये घटाने के बाद जो हमारी अमाउंट बची है उसमें ऐड करेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 5%, 1,488 रुपये बनता है। तो अमाउंट हो गई 31,238 रुपये। अब कॉस्ट जो है 29,750 कॉस्ट के कॉलम में दिखा देंगे, फ्राइट यानी आई इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 1,488 रुपये दिखा देंगे। मई 11 को देखिए, परचेज फ्रॉम अजंता गारमेंट्स दिल्ली। अब देखिए, फरीदाबाद का बिजनेस है, दिल्ली है, तो यहाँ भी आईजीएसटी लगेगा। मैसर्स अजंता गारमेंट्स दिल्ली, 40 गाउन्स एट रेट ऑफ ₹500 ईच, 100 शर्ट जो है एट रेट ऑफ ₹250 ईच, 20,000 और 25,000, 45,000 हो गया। आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 5%, लेस करने के बाद आपकी जो अमाउंट बची है 42,750, इसका आपने 5% इनपुट आईजीएसटी ऐड कर दिया, 3,138 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो गया 44,888 रुपये कॉस्ट के कॉलम में और इनपुट आईजीएसटी के कॉलम में लिख देगा। तीसरा पॉइंट है, 17 तारीख को बोट 50 शर्ट एट रेट ऑफ 200 इज फ्रॉम विशाल मेगामार्ट दिल्ली फॉर कैश। अब कैश की तो कोई ट्रांजेक्शन होती नहीं है, तो यहाँ नो एंट्री लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बोट फ्रॉम न्यू लाइट गारमेंट्स जयपुर। अब देखिए, जयपुर भी फरीदाबाद हरियाणा से बाहर है, तो यहाँ भी आईजीएसटी लगेगा। 50 ट्राउजर एट रेट ऑफ 500 ईच, 100 टी शर्ट एट रेट ऑफ 200 ईच, 25,000, 20,000, 45,000, ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे 10%, 4,500, 40,500 बच गया। इनपुट आईजीएसटी 5% ऐड करेंगे, 2,025, और इसमें फ्राइट दे रखा है 400 रुपये, वो भी ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट हो गया 42,925, कॉस्ट 40,500, फ्राइट 400 और 2,025। 31 मई लास्ट डेट लिखेंगे, यहाँ परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो हम डेबिट कर रहे हैं ना, वो परचेज को भी कर रहे हैं, टोटल अमाउंट को भी कर रहे हैं, आईजीएसटी को भी कर रहे हैं, फ्राइट को भी कर रहे हैं, इसलिए परचेज नहीं लिखेंगे, डेबिट का कॉलम लिख देंगे और सभी का टोटल कर देंगे इसमें।